हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्टार फील्ड गाइस। फिर से आज हम खेलेंगे स्टार फील्ड, जो कि हो रहा है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सा, इंटरेस्टिंग हो रहा है गाइस, क्योंकि हम कर रहे हैं फाइनली क्रिम्सन फ्लीट का खात्मा, जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आप सब लोग जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हो जानते होंगे क्रिम्सन फ्लीट है इस गेम की सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रुप, जो कि एक पायरेट्स का ग्रुप है, स्पेस पायरेट्स हैं गाइस वो लोग, उनको खत्म करना आसान नहीं होता, जिनके लिए मैं मिल गया हूँ यूसी वाले बंदों से। यूसी वाले बंदे वही हैं गाइस, जो कि होते हैं स्पेस के, आप आर्मी बोल सकते हो, आर्मी ऑफ द स्पेस कुछ ऐसा समझ सकते हो उसे। और जो क्रिम्सन फ्लीट है वो भी स्पेस पायरेट्स है, तो उनको खत्म करने के लिए यूसी को ही कुछ करना होगा। तो फाइनली हम लोग उनके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आप देखोगे तो अगर तो दो तीन वीडियो पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हम आए हैं गैल बैंक में। गैल बैंक में क्या हम करने आए हैं ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ काफी ज्यादा पैसों का हेर फेर किया था एक बंदे ने, जिसका नाम क्रिक्स था, उसने हेर फेर किया था, और वो हेर फेर गैल बैंक के ही पैसों का था। प्लस आखिर में वो बंदा एक्चुअली मर चुका है, और आखिर में वो बंदा जिस लोकेशन पे गया था वो गैल बैंक का ही ना एक ट्रांसपोर्ट, मतलब इसी बैंक का एक स्पेसशिप चुरा कर गया था। तो हम चाहते हैं किसी भी तरह यहाँ से ना उनकी लोकेशन मिल जाए उस स्पेसशिप की, वो कहाँ गया था, जिसके लिए हम यहाँ पर अभी आए हैं, और इनके डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। लेकिन यहाँ पर फायरिंग शुरू होगी गाइस, यहाँ पर तो मैं पूरा ऑथराइजेशन लेके आया था, आपने देखा होगा मैंने रिसेप्शनिस्ट से बात की थी अभी, जो बंदा था मैंने एक्सेस कार्ड दिया था, वो एक्सेस कार्ड बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे लास्ट टाइम, ताकि हम बैंक में घुस सके। लेकिन यहाँ पर फायरिंग क्यों स्टार्ट होगी यार, इनसे लड़ना ही पड़ेगा। मैं एक्चुअली लड़ना नहीं चाह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, शांति से काम करना चाह रहा था, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। थोड़ा पास जाके मारता हूँ इसको, और यार ये गन इसका निशान लगा थोड़ा मुश्किल हो रहा है गाइस। इसका डैमेज तो तगड़ा है, गन का डैमेज तो तगड़ा है, बट मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, फटाक से इसमें फटाफट गोली। गाइस फायर रेट बहुत ज़्यादा है, और इतनी मैगजीन बहुत छोटी है इसकी, बट डैमेज तगड़ा दे रही है। चलो यहाँ ऊपर चल के देखते हैं, क्योंकि ऊपर से ना थोड़ा सा सही रहेगा, ऊपर वाले बंदों को मार लेंगे और नीचे वाले हमको नहीं मार पाएंगे। सामने ये बंदा, यहाँ ये बंदे मर जाएंगे ना गाइस, तो हमें डेटा यहाँ से चुरा लेंगे, जिस डेटा से हमें पता चल जाएगा कि जो वो बंदा क्रिक्स था वो लास्ट टाइम किस लोकेशन पे गया था, वहीं पर हमको क्रेडिट्स मिल सकते हैं, मतलब वो खजाना मिल सकता है क्रेडिट्स का, जो कि उसने चुराया था। यहाँ पर ये लगता है, यहाँ पर है ये बंदा, बंदा नहीं गाइस, यहाँ पर है वो सिस्टम जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेट्स सी क्या मिलता है। लॉस्ट शिप रजिस्ट्री, ये वो इन्फॉर्मेशन है। ओके ये है रिकवरी, हाँ गाइस मिल गई इन्फॉर्मेशन वो वाली, और तो शायद कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। चलता हूँ मैं भी यहाँ से। यस गाइस, अभी हमें यहाँ से चलना है, स्पेसशिप में जाना है सीधा, यहाँ से निकलते हैं, आराम से निकलें क्या कहीं कोई। चलो गाइस वहाँ से हम आ गए हैं बाहर, और कुछ नहीं था वहाँ पे। भागते भागते गाइस स्पेसशिप में अपने पहुंच चुके हैं, यहाँ से फटाफट निकलना है। आपने अगर ध्यान दिया तो गाइस मैं आपको कट शॉट करके जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये मिशन बहुत बड़ा होने वाला है गाइस, क्योंकि हम क्रिम्सन फ्लीट का खात्मा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। इसलिए जल्दी मुझे जो गेम खेलने में, जितना गेम खेलने में 2-2.5 घंटे लगते हैं ना, उतना मैं आपको आधे घंटे में दिखाता हूँ, बट मज़ा काफ़ी आ रहा है गाइस, खेलने में भी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं स्पेस में, और अब हमें जाना है, लोकेशन सेट कर लेते हैं। ये जो यहाँ से क्या घूम फिर के जाना पड़ेगा क्या, या फिर शायद डायरेक्ट चले जाएं घूम, ये मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट जा पाएंगे गाइस। ये जो वाला हमारे पास स्पेसशिप है ना अभी,
जाके देखते हैं। मैं कहा चले जाएंगे, यस गाइस चले जाएंगे हम। ये जो गाइस स्पेसशिप है ना, इसमें मतलब मिसाइल्स वगैरह फायरिंग के लिए कुछ नहीं है मतलब, बट इसकी जो ग्रैब है ना, मतलब ग्रैब जंप करते हैं गाइस, ये जो हम टाइम ट्रैवल करते हैं ना उसको ग्रैब जंप बोलते हैं, ग्रेविटी जंप। ये स्पेसशिप का बहुत तगड़ा है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो इससे ना फटाफट पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है इसमें। तो फाइनली गाइस वो इन्फॉर्मेशन लेके ना हम यहाँ पर आ गए हैं, और फटाफट अभी यहाँ पर हम क्रिम्सन फ्लीट का जो गाइस ये स्पेस स्टेशन है ना, क्रिम्सन फ्लीट का है, तो अभी जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं इनको, बंदे खुश हो जाएंगे कि लोकेशन मिल गई है, और फिर देखते हैं आगे की प्लानिंग कैसी होती है। गाइस मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं कहाँ छुपाया होगा। चलो बंदे के पास पहुंच गए, बात करते हैं इससे, देखते हैं ये क्या बोलेगा। ये गाइस ये जो बंदी है ना नेवा, यही वो बंदी है जिसने मुझसे कहा था कि वो अर्थ सेवियर अवार्ड मुझे लेके आना चुरा के। एक्चुअली 70-80 हज़ार क्रेडिट्स की वैल्यू है इस अवार्ड की, और मैं चुरा के तो ले आया हूँ, बट ना मैं देखता हूँ इसको दूँ या ना दूँ, अगर वो बच जाएगा तो वो हमारे हो जाएंगे पैसे, मजा आ जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। गाइज मैंने ना इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये बंदा डेल गैडो जो है अभी ये सीनियर है, मतलब यही लीडर है क्रिम्सन फ्लीट का, काफी ज्यादा खुश हो रहा है, ये लोकेशन मिल गई है, और इसने कहा है कि अभी मैं ये जो लड़की थी ना नेवा, इसके साथ मुझे जाना है और प्लान करना है फर्दर हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें क्या चीज पता चली है ना गाइज कि जो वो लोकेशन थी ना जहां पर वो बंदा गया था, वो लोकेशन नॉर्मल लोकेशन नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। वहां पर ना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बहुत तगड़ा वाला, लेकिन उसमें हम नॉर्मल अपने शिप से नहीं जा सकते, इसको मॉडिफाई करके जा सकते हैं, और वो जो मॉडिफाई के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे ना वो किसी और लोकेशन पे मिलेंगे। गाइस यहाँ पर हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, We've all got work to और do. मैं इससे बात कर रहा हूँ ना गाइस, मैंने इसको बोल दिया कि मुझे वो नहीं मिला, और कैसे अर्थ सेवियर अवार्ड नहीं मिला तो ये थोड़ी नाराज थी, बट ठीक है गाइस हमारा काम बन गया है। बिना इसको वो अवार्ड दिए वो 70-80 हज़ार क्रेडिट हमारे हो सकते हैं, मतलब वो अवार्ड मेरे पास ही है, उसको एनकैश कैसे करना है बस ये हम देख लेंगे, बट वो अवार्ड हमारा हो सकता है गाइस, मतलब वो पैसे हमारे हो सकते हैं। यहाँ पर मिशन हमारा हो गया, आगे के लिए चलते हैं, कहाँ पर जाना है फटाफट देखते हैं। मजे आ गए गाइस, क्रेडिट्स भी नहीं देने पड़े, बात भी बन गई, बहुत सही हुआ। यही है ना इस गेम में गाइस, हर चीज ना करने के 2-3 ऑप्शन होते हैं, मैं इसको क्रेडिट्स दे देता तो भी कुछ नहीं होता, ये खुश हो जाती थोड़ा, बट नहीं दिए तो भी बात बन गई। यहाँ पर जाते हैं गाइस, डायरेक्ट जंप करके जाएंगे, अपना शिप बहुत खतरनाक है और कुछ नहीं कर सकता, बस ये ना हो रास्ते में ना हमें स्पेस में फाइट ना करनी पड़ जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाकी ग्रैब जंप करने में तो इससे मजा आता है गाइस, कितनी भी दूर जाना हो बट एक बार भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर तो हम आ गए, और यहाँ पर हम आ गए गाइस, यहाँ पर क्या कहते हैं जो यूसी वाला है ना, ये स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर अपने कमांडर कैंडा क्या नाम था उसका, उससे बात करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन सारी हमें देनी पड़ती है, डॉक करते हैं फटाफट, बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है गाइस इस मिशन में, हम अंडर कवर काम कर रहे हैं ना, तो बार बार इससे बात करो उससे बात करो इससे बात करो, बीच बीच में तो मुझे डर लग जाता कहीं ऐसा ना क्रिम्सन फ्लीट वालों को पता ना चल जाए कि भाई तू यहाँ से सीधा उनके पास क्यों गया, बट हम काफी ज्यादा दूर ट्रैवल करते हैं ना तो उनको नहीं पता चल पाता, क्योंकि बहुत दूर जाते हैं हम, दूसरे कॉन्स्टेलेशन में चले जाते हैं। ये रहा वो बंदा। So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Yes. And I heard there were no. ठीक है गाइस, इससे बात हमने कर ली है, ये थोड़ा सा नाराज हो रहा था कि वहां पर गैल बैंक में जाके हमने बंदों को मारा, बट मैंने इसको समझाया कि और कोई ऑप्शन नहीं था, और अब मैंने इसको भी बता दिया है गाइस कि वो जो लोकेशन है ना बैनॉक सिक्स था कि 4 था, उसका नाम ये है बैनॉक सिक्स, और वहाँ पर हमें जाना है। तो ये लोग भी बोल रहे हैं वहाँ पर जाना तो नामुमकिन ही है, बट मैंने इसको बता दिया सारी प्लानिंग जो क्रिम्सन फ्लीट ने की है, कि हमारे पास हमें आ रहा है स्पेसशिप पे ना 2-3 गैजेट्स फिट करने होंगे, उसके बाद हम वहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी निकल के जा सकते हैं,
और वो चुराने के लिए जो लोकेशन मुझे दी है मैं वहां पर जा रहा हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट ट्रैप जंप करके। और देखना ये कि अभी हमें जाना किधर है भाई। ये तो वापस से फिर से क्रिम्सन फ्लीट के उसमें आ गई हैं गाइस, इसका नाम है द की। यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं और लेट्स सी क्या करना है। यहाँ पर हम या तो कुछ प्लानिंग करके जानी होगी, ऐसे नहीं जा सकते शायद। आ गए उसके अंदर, फटाफट भाग के चलते हैं, बात करते हैं अपने कमांडर से। अभी हम इस कमांडर से बात कर रहे हैं, बाद में एक दिन इसी की बुद्धि पकड़ लेंगे। ठीक है गाइस, इसके पास आ गए हैं, फिर से बात करते हैं, लेट्स सी। स्टॉप न्यू एटलांटिस, योर कनेक्शन इज वान डाई, शी हैज गॉट मोस्ट ऑफ द प्रीमियम यूसी स्मगलर्स लॉक्ड डाउन टाइट। इफ यू डोंट पिस हर ऑफ she should be able to sneak you past SY920 security. ठीक है, ठीक है गाइस, एक्चुअली हमें यहां से चलना है फटाफट। एक्चुअली क्या है ना कि जो हमें गैजेट्स चुराने हैं, और गैजेट्स ही में चुराने, कुछ और इंफॉर्मेशन भी चुरानी है जिससे कि हम लोग ये मिशन कंप्लीट कर सकें, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाकर भी। वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी गैजेट्स के बारे में, उसको बताने, वो इंफॉर्मेशन अभी क्रिम्सन फ्लीट के पास नहीं है, उसको हमें एक बंदी बताएगी जो कि अभी एटलांटिस में है। यस गाइस, वो क्रिम्सन फ्लीट की बंदी है जो कि अंडरकवर काम कर रही है एटलांटिस के लिए, मतलब यूसी के लिए। गाइस हम लोग यूसी में काम करते हैं, अंडरकवर आए हैं क्रिम्सन फ्लीट को पकड़ने के लिए, ऐसे ही इनकी ये बंदी है जो अंडरकवर काम कर रही है यूसी के लिए, उसी से इनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हमें हाथों हाथ गाइस एक और बंदी का भी पता चल गया है, उसको भी लगता है फिर हम पकड़ ही लेंगे, और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो हमें बताएगी कि कहाँ जाके हम वो गैजेट्स ले सकते हैं, और वो कहाँ जाके हमें वो बंदा मिलेगा। एक कोई साइंटिस्ट है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन जानता है, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए हम जा रहे हैं न्यू एटलांटिस में। लेट्स सी गाइस क्या होता है, बहुत बातचीत करनी पड़ रही है गाइस इस गेम में। इधर जाओ इससे बात करो, उधर जाओ उससे ये बात करो, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन स्पेस में, इधर उधर ट्रैवल करते करते गाइस। अच्छा हुआ इसमें यहाँ पर ना हमें फ्यूल नहीं बढ़ाना पड़ता, यहाँ ऊपर है वो बंदी गाइस। मैंने सोचा जेट पैक को यूज करके पहुंच जाएंगे, बट थोड़ा ऊपर था, यहाँ से चढ़ के जाते हैं, यहाँ से पहुंच जाएंगे जल्दी, नहीं तो पता नहीं कहाँ से चढ़ के आना पड़ेगा। ये वो बंदी है, इससे करनी है हमें बात। ओके, व्हेन नाम है इसका गाइस, व्हेन। नेवा सेज यू आर आफ्टर ए पीस ऑफ, so together we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. थोड़ी बात कर लेते हैं तभी कुछ पता चल पाएगा। If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. Come and go. Talk more on the ship. Okay. ठीक है गाइस, गाइस ने बताया ना कि एक साइंटिस्ट है कोई, वो बहुत लंबा प्लान में है गाइस, बहुत लंबा प्लान है। जैसे जैसे मैं करता रहूंगा ना आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल मैं अपने स्पेसशिप पर यार डायरेक्ट ना वो करना भूल गया, डायरेक्ट कॉकपिट में चला जाता बट वो करना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। ए बंदे बैठे हुए हैं अपने, वो इसके साथ ही जाना होगा गाइस, इसको मैं नहीं चलाऊंगा अभी, इसके साथ ही जाना होगा हमें। ये ना हमको पूरा असिस्ट करेगी, यहाँ से ये स्पेसशिप उड़ेगा और हम लोग जाएंगे, और शायद से पहुंच गए हैं अब। वो पायलट था ना उसको चलाना था, हमको चलाना ही था। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए, ये एक स्पेस स्टेशन है, और यहाँ पर ना बहुत ही गाइस खतरनाक सीन है। एक्चुअली थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा मैं, लेकिन मैं ना आपको पूरी तरह से दिखाना चाहता हूँ कि गेम में ना कि कैसे कैसे करना पड़ता है गेम, ये बाकी गेम से इनमें क्या डिफरेंस है इसमें बाकी गेम में, वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए, इस इंटरकॉम से भी बात करनी है, डोर भी, चलो इसको पहले फटाफट इसको खोल लेते हैं, डिजी लॉक को। इसमें ये अगर लगा देंगे, ये नहीं, इसमें ये लगेगा नहीं मेरे ख्याल से।
कौन सा वाला लगाना होगा? ये भी नहीं लगने वाला मुझे लग रहा है ना, दो अलग अलग ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे इस वाले में। मैं अक्सर डिजी लॉग ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता नहीं, उसको दिखाना चाहता हूँ। एक कर लिया, अब ये वाला शायद, हाँ इसको घुमा के हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाले में काफ़ी सारे हैं, इसको अगर करूँगा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, बाकी वो वाला दूसरों में लग जाएगा। हाँ ये वाला लगेगा। हो गया गाइस, ये डोर तो इसमें बात कर लेता हूँ। ये ना ट्रांसमीटर से बात करनी है, तो वो जो बंदी थी ना वैन, वो हमको बताएगी कि आगे हमें क्या करना है। हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और उससे कनेक्ट होके ना उससे इंस्ट्रक्शन लेते जाएंगे, क्योंकि इस जगह की सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उसी के पास है। तो देखते हैं, अभी हमें गाइस कुछ ना यूनिफॉर्म कलेक्ट करनी है, क्योंकि यूनिफॉर्म के बिना हम आगे हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ना गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचने वाली, वो इतनी ईजिली तो हमें मिल नहीं सकती। और बाकी सोचो यूसी जैसी एजेंसी के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, क्रिम्सन फ्लीट के पास भी नहीं है, वो यहाँ पर है तो आसान तो नहीं होने वाला। बट गाइस यहाँ पर ना हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें गोलाबारी ये सब बिल्कुल नहीं करना है, हमें शांत वाले तरीके से धीरे धीरे आराम से जाके बातें करके और जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करके काम करना है तरीके से। बिल्कुल हमें ये नहीं है गोली चलाते चले जाएं, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शायद वो साइंटिस्ट भी फिर भाग जाए, अटेंटिव हो जाए। ये यहाँ पर यूनिफॉर्म रखी हुई गाइस, यूनिफॉर्म मैंने ले ली, अब यहाँ से हमें चलना है फटाफट। उसमें तो दिखाई नहीं दे रही, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लोकेशन हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, और अरे नहीं कहीं और से आना है, यहाँ से आना है गाइस। ये रही वो चेक पॉइंट जहाँ से हमें निकलना है। इस बंदे से थोड़ा ध्यान से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये परसुएड करना है गाइस, इसे परसुएड करना है। लेट्स सी बात बनती है कि नहीं बनती है। I suppose if you're quick. कोई harsh guys धमकाने वाले भी हमें dialogue use नहीं करने हैं। Well, if you're quick about it, से normal वाले dialogue use कर रहा हूँ मैं, क्योंकि security का सवाल है। Pursued guys हमें करना होता है ना, मतलब बातचीत करके मसला हल करना होता है, वो अलग आदमियों से अलग तरीके से करना चाहिए। कोई चोर है तो उसको हमें शायद डराने वाली चीजें भी बोलनी पड़े, धमकाने वाली, बट यहाँ पर नहीं कर सकते। लेट्स सी बात बनती है कि नहीं बनती है। ऑलराइट फाइन, हो गया गाइस, हो गया। क्विक अबाउट इट, दैट गोस फॉर योर फ्रेंड टू। बात बन गई गाइस, यहाँ से हम निकल सकते हैं। और ये बंदी भी हमारे साथ है, ये इसको बताना पड़ रहा है, और चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से तो हम निकल रहे हैं गाइस, बट मुझे लग रहा है आगे चल के ना हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। मैं वहाँ पर चेक कर रहा था स्पेस सूट्स में, बट यूनिफॉर्म मिल ही नहीं रही थी। ये आ गया बंदा, अरे यार ये फिर से बात करनी पड़ेगी क्या? Only designated SY920 UC military allowed. बट यार ये बोल रहा है बिना यूनिफॉर्म के यहाँ से नहीं जा सकते। मैं साइड में होकर एक बार देखता हूँ, मेरे पास वो यूनिफॉर्म होनी तो चाहिए, अभी हमने वहां से चुराई थी। पीछे खड़े होकर मैं देख रहा था ना, एक्चुअली मैंने स्पेस सूट्स वाले उसमें चेक किया, मैंने यूनिफॉर्म वाले में चेक ही नहीं किया। हाँ ये है ना वो यूनिफॉर्म, मेरे ख्याल से यही है यूनिफॉर्म अनसे। हाँ इसको पहन के देखता हूँ, यही होगी ना, तो फिर वो मना नहीं करेगा। अब चल के देखते हैं, शायद बात बन जाए, वो हमें नहीं रोके यहाँ पर। देखते हैं गाइस। एनसिन लेवल क्लियरेंस, गो ऑन अहेड। Your friend there have the same clearance? Okay, इसके लिए पूछ रहा है, मैंने बोल दिया हाँ इसके पास भी clearance है। Let's see, हो गया guys, door open हो गया। ये ना यूनिफॉर्म मुझे लग रहा है मैं पहले पहन लेता ना, तो फिर बाहर वाले बंदे के साथ में ना बात नहीं करनी पड़ती। पर चलो कोई बात नहीं, बात बन गई। अगर वहाँ बात नहीं बनती तो मैं फिर, मेरे दिमाग में नहीं आया पहले, मैं स्पेस सूट्स वाले सेगमेंट में देखने लगा, बट मुझे देखना चाहिए था यूनिफॉर्म वाले में। यहाँ पर फिर से उससे बात नहीं, से बात नहीं करनी, यहाँ लिफ्ट ओपन करनी थी। कितनी बड़ी लिफ्ट है गाइस। अरे ये तो वो वाली लिफ्ट लग रही है जिससे ना बड़ा बड़ा सामान हम कई बार ना शायद ले जाते हैं, कार्स वगैरह भी शायद इससे ले जा सकते हैं। अभी हमें किधर जाना है?
फिर से ट्रांसमीटर से उससे बात करनी है हुएन से, लेट्स सी क्या होता है। उसको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वो समझ गई होगी क्योंकि यहाँ से कॉल गई है। तो ओके अब मुझे एक क्लियरेंस कोड चाहिए होगा। अंदर ही होगा शायद, और मुझे ना इनके डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन भी निकालनी है कॉम स्पाइक के बारे में। कॉम स्पाइक शायद कोई गैजेट होता है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ गाइस, और यहाँ पर ना ये बंदा पीछे जाके ना हमें ये खुलेगा क्या? नहीं यार ये खुल नहीं रहा है। पहले पीछे चलते हैं गाइस, ना सिस्टम से शायद हमें ना ये क्लियरेंस कोड मिल जाए, वो इसको देंगे तो यहाँ से जा पाएंगे। कहाँ है? यहीं पे जाना है ना। अरे यार मेड पैक रखा हुआ है पर लूंगा नहीं मैं गाइस, ये मेड पैक लेने के चक्कर में ना ये कई बार अरेस्ट कर लेते हैं, इतना बड़ा मिशन खराब हो जाएगा एक मेड पैक के चक्कर में। ये सिस्टम में शायद मिल जाए, लेट्स सी। ओहो डिजी पिक लगा हुआ है, इसको करते हैं फटाफट। हो गया ये तो। ओके चेक। हाँ गाइस यहाँ से मिलेगा, ये कौन सा वाला सेलेक्ट कर लूँ? चलो यही वाला पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ऑप्शन थे तीन नेम के हिसाब से थे, पता नहीं जो भी। हम यहाँ पर हम आ गए, फटाफट इसको बताता हूँ क्लियरेंस कोड और शायद हमें क्लियरेंस मिल जाए यहाँ से। Your clearance code, Murray. Your clearance, Zeremi. I assume the two of you are together. सारे लोगों के बारे में पूछते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो भी क्या सेम क्लियरेंस के साथ है। हो गया गाइस फाइनली डोर ओपन हो गया। पता नहीं कितने चेक पॉइंट्स क्लियर करके कहाँ जाना है भाई। चलो चलते हैं फटाफट यहाँ बीच बीच में ना गाइस, मैं इसलिए आराम से चलता हूँ, मुझे लगता है कहीं मैं भागू तो ये लोग ये ना सोचे ये भाग के कहाँ जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं इसलिए बीच बीच में थोड़ा आराम से चलता हूँ यहाँ पर। हाँ गाइस कॉम स्पाइक की इंफॉर्मेशन है ये कुछ। प्रोजेक्ट लिमिट प्रीमिसेस, हाँ ये फाइनल इन्फॉर्मेशन होता है। कॉम स्पाइक की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। मैं सारे क्लिक करके देख लेता हूँ, पता नहीं हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये तो नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स ये शायद नहीं चाहिए था। ओके गाइस मिल गई है हमें कॉम स्पाइक वाली इन्फॉर्मेशन। अब हमें अंदर कहीं जाना है, चल के देखते हैं। ये है गाइस वो साइंटिस्ट, इससे मुझे लग रहा है फाइनली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और फिर हमारा काम ना यहाँ का काम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का खत्म होगा। लेट्स सी, इससे बात करते हैं पहले। बट वी वोंट टेल कमांडर नटार। वेट, हु आर यू? व्हाई आर यू इन हियर? डिड यू नॉट? ये साइंटिस्ट को ना अच्छा नहीं लगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अच्छा क्यों लगेगा? ओके गाइस फाइनली ना हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, ये साइंटिस्ट देना नहीं चाह रहा था। अभी मैंने ना स्कैनर ऑन कर दिया, स्कैनर ऑन करने से ना एरो दिखाता है कि फटाफट हमें कहाँ जाना है। ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे लग रहा है यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। इस साइंटिस्ट ने ना कोई सायरन बजाया होगा भाई, कोई अलार्म बजाया होगा, वो चाहता नहीं होगा। लेकिन हमने यूनिफॉर्म पहनी है ना इसलिए हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यूनिफॉर्म नहीं होती ना गाइस तो ये लोग अभी फायरिंग शुरू कर देते। चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट, सारी इन्फॉर्मेशन हमें गैदर कर तो ली है और अब ये इन्फॉर्मेशन लेके जाके ना हमें फिर से जाना पड़ेगा क्रिम्सन फ्लीट के पास। और फिर मुझे लग रहा है ना जहाँ तक हमें अपने स्पेसशिप को ना मॉडिफाई करना होगा ये गैजेट्स लगा के। पता नहीं गैजेट्स भी बनाने पड़ेंगे कि मिल जाएंगे पता नहीं, पर मॉडिफाई करना होगा उसके बाद फिर हम जा सकते हैं वहां पर क्रेडिट्स लेने के लिए। लेट्स सी गाइस हो पाता है कि नहीं हो पाता। अभी तो फिलहाल यहाँ फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम लोग। ओ ये आ गया अपना यस गाइस, ये अपना कॉकपिट आ गया। तो ठीक है गाड़ी, मैं ना वीडियो यहीं पे बंद कर देता हूँ, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। कैसा लगा आपको जरूर बताना गाइस, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ठीक है नेक्स्ट वीडियो का वेट करना गाइज एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ओके बाय गाइज बाय बाय